ये मैं एक चने की दाल फ्राई बना रही हूँ। चने की दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने दाल को बगैर भिगोए तकरीबन 45 मिनट्स के करीब उबाल लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हल्दी और हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून ही कुटी हुई मिर्च और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। और ये उबली हुई दाल है। और इसके अलावा मुझे जो चाहिए ऑयल चाहिए, ऑयल जो है 1/4 कप है, ये मैंने पैन में डाला। और ये टमाटर है पिसे हुए, टमाटर के अंदर लहसुन अदरक 2 बड़े टमाटर हैं और इसके अंदर 4 से 5 लहसुन के जबे हैं बड़े, और हाफ छोटा सा एक पीस जो है अदरक का है। ये टमाटर और लहसुन जो है मैं इसके अंदर ऑयल में डालूंगी। थोड़ा सा मज़ीद हाफ टी स्पून के करीब लहसुन अदरक मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि दाल जो है उसके अंदर ज़रा फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। साथ ही ये 1/4 टी स्पून हल्दी है और हाफ टी स्पून ही मिर्च है, तो कुटी हुई मिर्च तकरीबन 1 टी स्पून हो जाएगी पूरी इस दाल में। दाल जो है वो 1/2 कप है और इस तरह से ये मैं इसमें डाल के टमाटर को हमने 10 मिनट के करीब जो है कुक करना है। पीसने से ये फ़ायदा होता है कि जल्दी से जो है ये रेडी हो जाते हैं। मैं इसके अंदर पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, बस इसको जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो मैं इसको दाल के साथ रखती हूँ। दाल को जो है ढक के रखूंगी और 10 मिनट इसको कुक करूंगी ताकि दाल और टमाटर आपस में मिक्स हो जाए। तो फिर ये टमाटर को इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ना मैंने इस दाल के अंदर बहुत मसाले डाले हैं, ना मैंने प्याज डाली है। प्याज ऑप्शन है कि आप जो है इसको फिर लास्ट में इस पर थोड़ा सा भंगार अगर करना चाहें तो फिर आप इसमें प्याज ऐड कर दें, वरना तो बस। ये टमाटर जो है कुक हो गए और ये दाल जो है बस ये टमाटर के अंदर मैं दाल डाल रही हूँ इस तरह से। और दाल को जो है 4 से 5 मिनट जो है हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। इसके बाद इसको जो है बाउल में निकाल के इस पे हल्का सा जीरे का भंगार डालूंगी या प्याज के साथ जिस तरह से भी। बस ये दाल में दम पे रख रही हूँ और ये रेडी हो जाएगी। बस ये दाल रेडी हो गई है और इसको मैं इसमें बाउल में डालूंगी। और साथ ही ये मैंने इसका एक भंगार तैयार किया है। भंगार में जो है प्याज है, हरी मिर्च है और थोड़ा सा जीरा है। और ऑयल मैंने काफ़ी कम लिया है क्योंकि दाल के अंदर पहले ही मैं ऑलरेडी ऑयल डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने ये भंगार जो है बस रेडी हो गया है और मैं इसे दाल पे डालूंगी।
और ये दाल की फाइनल शक्ल है। ये जो अचार है ये मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है और बस इसे मैं रोटी या राइस के साथ सर्व करूँगी। और ये दाल जो है इस तरह से दाल फ्राई चने की रेडी हो गई है।